Hello everyone, this chapter is 8 about our national symbols and emblem. Okay, our chapter 8 tells us about our national symbols and emblem. India is a land of diverse cultures and religions. India is a land of diverse culture, different culture and traditions and religions also. Even though every religion has different customs, और हर religion के अपने अलग अलग customs, अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनको मनाने के तरीके अलग हैं, and traditions, and we speak different languages, we all are Indians and belong to one country. मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है, we belong to a variety of diverse cultured country, ठीक है, जिसका बहुत ही diverse culture है. इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करती हैं, डिफरेंट फूड्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट क्लोथिंग है. तो ये सारे क्या शो करते हैं कि हमारा जो डाइवर्स कल्चर शो करते हैं. लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी वी ऑल आर इंडियंस एंड बिलोंग टू वन कंट्री. नेशनल सिंबल्स. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज नेशनल सिंबल. सिंबल्स विच रिप्रेजेंट अवर कंट्री आर नॉन एज नेशनल सिंबल्स. जो सिंबल्स हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं. नाउ नेशनल एनिमल, दिस इज टाइगर. नेशनल फ्लावर लोटस. नेशनल फ्रूट मैंगो. नेशनल ट्री बैनियन. एंड नेशनल बर्ड इज पिकॉक. दीज आर अवर नेशनल सिंबल्स. Now, national flag. Our national flag is Tiranga. Okay? Here is the picture of our national flag. This is our national flag. The national flag is the symbol of the freedom and unity in our country. अब जो national flag है वो किसका symbol है? फ्रीडम एंड यूनिटी इन अवर कंट्री. हमारे देश के अंदर फ्रीडम है और हम सब एक हैं, इस चीज का सिंबल होता है नेशनल फ्लैग. अवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री कलर्स. इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर एंड थ्री कलर्स, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन. इट हैज अ डीप सैफ्रन, दिस इज कॉल्ड केसरिया रंग, डीप सैफ्रन बैंड एट द टॉप. टॉप पे देखिए डीप सैफ्रन कलर है. अ वाइट बैंड इन द मिडल, वाइट बैंड इन द मिडल एंड अ ग्रीन बैंड एट द बॉटम. ठीक है. देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील, नेवी ब्लू व्हील और धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड. धर्म चक्र है, नेवी ब्लू कलर का व्हील है जिसको धर्म चक्र बोला जाता है, जो कि वाइट बैंड के मिडल में है. The saffron colors stand for strength and courage. अब इन कलर्स के मतलब क्या है, हमारे फ्लैग के अंदर ये कलर देने के पीछे रीजन क्या है. जो सैफ्रन कलर होता है ना, केसरिया रंग, वो क्या शो करता है, किसके लिए स्टैंड करता है, स्ट्रेंथ एंड करेज. कि हम, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर करेज है. हम द वाइट स्टैंड फॉर पीस, हम शांति प्रिय देश है. व्हाइट कलर है जो ये स्टैंड करता है, ये शो करता है कि हम शांति प्रिय देश हैं. एंड द ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. और जो ग्रीन बैंड है इसमें ये शो करता है हम बहुत डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी शो करता है, खुशहाली, एक खुशहाल देश है हमारा देश. द चक्र हैज 24 स्पोक. ये जो चक्र है इसके अंदर 24 लाइन्स है जिसको 24 स्पोक्स बोला जाता है. Representing the hours of the day. जैसे हमारे दिन में 24 hours होते हैं ना, तो उसी तरह से ये जो चक्र है हमारे 24 hours को represent कर रहा है. It symbolizes constant effort and growth. जैसे हमारी घड़ी 24 घंटे चलती रहती है और ये हमारा जो चक्र है जिसमें 24 spokes हैं, जो ये represent कर रहा है कि continuous growth, continuous effort कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, growth कर रहे हैं. द धर्म चक्र ऑल्सो नोन एज द अशोक चक्र. धर्म चक्र को अशोक चक्र भी बोला जाता है. डिपिक्ट द व्हील ऑफ द लॉ. जो क्या शो कर रहा है, व्हील ऑफ लॉ, न्याय का चक्र. इट वॉज टेकन फ्रॉम द सरनाथ लॉ एंड कैपिटल, मेड इन 3rd सेंचुरी BCE.
ये कहाँ से लिया गया है? सरनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है, जो कि 3rd सेंचुरी BCE में बना था ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मौर्य एम्पायर एम्परर अशोका, जो कि अशोका एम्परर उनके रेन के टाइम पे 3rd सेंचुरी से ये अशोक चक्र लिया गया है, जिसको धर्म चक्र भी बोला जाता है। द नेशनल फ्लैग कैन बी होस्टेड एट होम एंड इन स्कूल ओनली ऑन सर्टेन ओकेजन एंड इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कीपिंग इन माइंड दीज रूल्स। जो नेशनल फ्लैग है वो कहाँ कहाँ पे होस्ट होता है? होम्स में, स्कूल में और कई ओकेजन्स पे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इसको होस्ट किया जाता है। बीच में कुछ रूल्स हमें अपने दिमाग में रखने होंगे, वो कौन कौन से रूल्स हैं? द सैफ्रन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप। जो सैफ्रन बैंड है वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए। नो अदर फ्लैग कैन बी प्लेस्ड अबव द ट्राई कलर। कोई दूसरा फ्लैग इससे अबव नहीं जाना चाहिए। द फ्लैग मस्ट बी टेकन डाउन फ्रॉम द फ्लैग पोल बिफोर सन डाउन एंड फोल्डेड केयरफुली। जो फ्लैग है वो फ्लैग पोल से बिफोर सन डाउन, सूर्यास्त से पहले ही नीचे ले आना चाहिए और उसको केयरफुली फोल्ड करके रख देना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर अवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल फ्लैग की बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम आपको पता ही है, जनगणमन, जो कि हमेशा स्कूल में प्रेयर टाइम में गाया जाता है, वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। द ओरिजिनल पोएम हैज 5 स्टैंजास, बट ओनली द फर्स्ट स्टैंजा इज संग एज द नेशनल एंथम। इस ओरिजिनल पोइम में 5 स्टैंजास है, लेकिन नेशनल एंथम में सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा है, उसी को गाया जाता है। द नेशनल एंथम इज प्लेड और संग ऑन नेशनल हॉलीडेज और फंक्शन एट एन इंटरनेशनल इवेंट्स। जो नेशनल एंथम है ये नेशनल हॉलीडेज या फंक्शंस पे ही गाया जाता है और या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी गाया जाता है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू अवर नेशन वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन अटेंशन वेन एवर द नेशनल एंथम इज बींग प्लेड और संग। अब नेशनल एंथम जब भी गाया जाता है तो हमें एक अटेंशन फॉर्म में खड़े होना चाहिए, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। इट वॉज कम्पोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, किसने कंपोज किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो संस्कृत के पोएट हैं। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये हमारी आजादी की लड़ाई से इंस्पायर होके लिखा गया है। इट टेक्स अबाउट 52 सेकेंड टू सिंग अवर नेशनल एंथम, यानी हमारे नेशनल एंथम को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इज ऑल्सो ए पोएम पेंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो नेशनल एंथम है जो बांग्लादेश का, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अवर नेशनल एम्बलम, अवर नेशनल एम्बलम हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द सरनाथ लॉयन कैपिटल बिल्ट बाय अशोका इन उत्तर प्रदेश। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से अडेप्ट हुआ है, कहाँ से लिया गया? सरनाथ लॉयन कैपिटल, जो कि अशोका ने बनाया था उत्तर प्रदेश में। द ओरिजिनल सरनाथ लॉयन कैपिटल हैज 4 लॉयंस। अब यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में आपको 4 लॉयंस नजर आएंगे बैक टू बैक ईच अदर। स्टैंडिंग बैक टू बैक माउंटेड ऑन ए पेडेस्टल द एम्बलम शोज ओनली 3 लॉयंस, द फोर्थ इज हिडन फ्रॉम व्यू। द व्हील बिलो इट हैज एन एलिफेंट, अ गैलोपिंग हॉर्स, अ बुल एंड ए लायन ओवर अ बेल शेप्ड लोटस। एक पेडेस्टल पे आपको 4 लॉयन बैक टू बैक आपको माउंटेड नजर आएंगे। तो एम्बलम क्या शो, एम्बलम में आपको सिर्फ 3 लॉयन ही दिखेंगे, लेकिन एक लॉयन है जो बैक पे है और इसके नीचे एक व्हील है और उसके साथ एक एलिफेंट है, एक हॉर्स गैलोप करता हुआ है और एक बुल है, और यहाँ पे एक लोटस की भी पिक है। द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडुका उपनिषद आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडुका उपनिषद से, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। वो इस पेडेस्टल के यहाँ पे लिखा गया है, सत्यमेव जयते। उस सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? उस सत्यमेव जयते का मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल, हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं?
जो नेशनल इवेंट पे मनाए जाते हैं और जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं जो रिलीजियस इवेंट पे मनाए जाते हैं. व्हाट इज अ तिरंगा, हाउ मेनी कलर्स डज इट हैव. तिरंगा क्या है? अवर नेशनल फ्लैग. इट हैज थ्री कलर्स, सैफरन, द वाइट एंड द ग्रीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते? अभी मैंने आपको बताया सत्यमेव जयते का मतलब क्या है. ट्रूथ, ट्रूथ अलोन ट्राइम्स. व्हेन डू वी सिंग अवर नेशनल एंथम? हम नेशनल एंथम कब गाते हैं? ऑन नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल, नेशनल ओकेजन. यस. नाउ ब्लैंक्स. अवर नेशनल फ्लैग हैज ए धर्म चक्र इन द मिडल विच इज ब्लू इन कलर. एक धर्म चक्र है बीच में जो कि ब्लू कलर, कलर में ब्लू है. द नेशनल एम्बलम इज अडेप्टेड फ्रॉम सरनाथ लायन कैपिटल. जो नेशनल एम्बलम वो कहाँ से लिया गया है? सरनाथ लायन कैपिटल. द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर. जनगण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस चैप्टर? ओके.